तो क्या हाल चाल है दोस्तों आपके, आई होप आप सभी मजे में होंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले S22 के बारे में, S22 प्लस के बारे में और S22 अल्ट्रा के बारे में। हो गया तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी मुंह दिखाई से गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S22, अब यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फर्स्ट लुक निकल के आया है ना, ये दोस्तों यहाँ पे ऑन लीक्स की तरफ से आए हैं, जिनका लीक्स यहाँ पे 90% सही होता है। जी हाँ, तो इससे पहले भी काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो पी शेप वाला डिज़ाइन है ना अल्ट्रा में, वो दोस्तों यहाँ पे नहीं आ रहा था। मतलब पहला वाला ही डिज़ाइन हमें दिखाया जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ ट्रस्टेड सोर्स से भी दोस्तों यहाँ पे लीक्स नहीं थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना था। अब दोस्तों यहाँ पे ऑन लीक्स की तरफ से आए जिनके 90% सही होते हैं, तो मैंने सोचा भाई साहब क्यों ना हम भी वीडियो बना दें, यानी मुंह दिखाई करवा दें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बड़े भैया के बारे में गाइस, यानी सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के बारे में। तो यहाँ पे मुझे देखते ना, मेरे दिमाग में जो फर्स्ट इंप्रेशन आया ना इसके प्रति, वो ये था कि मुझे लगा कि जो नोट 20 था ना, उसको यहाँ पे एग्जैक्टली सेम उठाया गया है, और वहाँ पे जो पीछे की तरफ उसमें स्क्वायर्स कैमरा बम्प मिलता था ना, उसको दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस करके पी शेप का दोस्तों यहाँ पे डिज़ाइन दे दिया गया है, और हमें देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह भी कर्व है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है जो S21 था उसमें हमें फ्लैट डिस्प्ले मिलता था, लेकिन इस बार फिर से दोस्तों यहाँ पे कर्व कर दिया गया, और यहाँ पे बॉक्सी डिज़ाइन भी है। हाँ, यहाँ पे कर्व का एक और फायदा हो जाता है, और यहाँ पे बॉक्सी डिज़ाइन पिक करा इन्होंने, क्योंकि आपको पता है जो iPhone 12 था या फिर यहाँ पे 13 था, उसमें दोस्तों अभी जो है वो बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है, लेकिन वहाँ पे उसके जो कॉर्नर्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे मतलब तेज है ना, कि हमारे हाथ में निशान पड़ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। But the fact that my phone leaves a dent in my hand should be a fair indication that this is not human friendly design. तो यहाँ पे कर्व होने की वजह से इस टाइप की दोस्तों यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं होगी, और हमारे हाथ में एकदम जम के दोस्तों यहाँ पे रहेगा, यानी गिरने वगैरह उतनी ज़्यादा डर नहीं रहेगी, और हमारे हाथ में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो मुझे ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे इसके फर्स्ट इंप्रेशन में लगा, आप लोगों क्या लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और दूसरा रीजन दोस्तों यहाँ पे इसको पिक करने का ये भी हो सकता है वो वाले डिज़ाइन को, क्योंकि यहाँ पे इनको एस पेन देना था उसमें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें एस पेन भी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये बातें हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नोट सीरीज को ये लोग स्टॉप कर चुके हैं। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो नोट सीरीज के फैन थे ना, वो ऐसा बहुत ज़्यादा गुस्सा थे सैमसंग के, मौत डालेंगे सैमसंग को, कैसे तूने स्टॉप कर दिया उसको। तो यहाँ पर मुझे लगा कि उनको भी खुश करने के लिए, और यहाँ पर एस सीरीज भी हमारी बच जाए, तो उन दोनों को दोस्तों कंबाइन कर दिया है दोनों को, यानी कि उसका डिज़ाइन वगैरह हो गया और हमारा एस सीरीज का नाम चलता रहा, यानी दोनों फैन जो है वह एस सीरीज वाले और यहाँ पर नोट सीरीज वाले दोनों यहाँ पर मिलजुल के दोस्तों यहाँ पर एक ही फ़ोन को परचेज कर ले, और भाई साहब यहाँ पे खुश रहे, यानी वो भी नाराज ना हो और हमारा ये भी नाराज ना हो। यानी इससे हमारे पास एक ही कहावत आती है कि सांप भी टूट जाए और लाठी भी बच जाए। वो उल्टा हो गया यार, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। अरे यार अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनके छोटे भाई के बारे में, यानी S22 और S22 प्लस के बारे में गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका फर्स्ट लुक तो देख ही लिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट लुक देखते ही यार मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि S21 जैसा ही डिज़ाइन हमें जो छोटे भाई में, वो यहाँ पे चेपा जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे हमें सेम डिज़ाइन देखने को लग रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटे से चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पिछला वाला वर्जन था ना, उसमें यहाँ पे कैमरा बम्प था ना, वो फ्रेम के साथ में अटैच था ना, उसके साथ में मोल्ड करके और उसको कैमरा बम्प बनाया गया था, लेकिन इस बार उसको सेपरेट कर दिया गया है, यानी कैमरा बम्प जो होगा ना, वो यहाँ पे ऊपर से होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे छोटा सा चेंज दोस्तों यहाँ पे मुझे लगा, लेकिन यहाँ पे मेरा कहना ये है कि यार आप लोग उसको सेपरेट क्यों किए, क्योंकि उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है, अब पता नहीं कोई रीज़न रहा होगा थोड़े से अलग करने के लिए या फिर जो भी है। लेकिन एक और मेरा यहाँ पे ये कहना है कि यार आप लोग जो फ्रेश डिज़ाइन बनाई रहे हो अल्ट्रा के लिए, तो उसी सीरीज़ में यही सारे फ़ोन आते हैं ना, तो वो सेम डिज़ाइन दो ना, पिछले वाला क्यों छोटे भाई में आप लोग दे रहे हो। इससे क्या होगा कि जो लोग यार नया फ़ोन खरीदेंगे आपके, उनको यही लगेगा यार एक पुराने वाली फीलिंग आ रही है, उनको देख के ये भी नहीं कोई बोलेगा कि भाई ये इन्होंने नया एस सीरीज़ का फ़ोन यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो उनको पुरानी वाली फीलिंग आएगी, जस्ट लाइक iPhone 13, क्योंकि उनके इंजीनियर्स शादी में पार्टी कर रहे थे और एक दिन बचा तब जाके उसका डिज़ाइन बनाया, कैमरा इधर से इधर कर दिया गया। और गाइस यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया S22 और S22 प्लस में यहाँ पे आपको फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है एग्जैक्टली सेम, लेकिन यहाँ पे आपको पता है अल्ट्रा में क्या किया जाएगा कि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले तो आपको बता ही दिया, नोट सीरीज जैसा छोटा सा यहाँ पे हल्का सा कर्व होगा, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इसके बॉटम होंगे ना, जो बॉटम के लाइंस होंगे, बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे कम की जाएंगी, इवन आईफोन से भी कम, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग एक नई टेक्नोलॉजी दोस्तों यहाँ पे ला रहा है जिसका नाम है बॉर्डर रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो उसके मदद से जो इसके बॉटम होंगे ना, वो बिल्कुल यहाँ पे कम हो जाएंगे, जिससे भाई साहब इसकी जो लाइक
फर्स्ट इंप्रेशन है आगे से देखने में भाई साहब काफी ज्यादा सेक्सी सा दोस्तों यहाँ पे लुक देगा। तो ये फोन में उतने ही खत्म होंगे जितने की बॉक्स में चार्जर एम्पटी। और यहाँ पे इसके पावर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ लीक्स तो नहीं आया है, लेकिन हमें तो पता ही है कि इसके फ्लैगशिप फोन है तो यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोसेसर भी होगा जो कि नया आएगा स्नैपड्रैगन की तरफ से, वो एकदम टॉप नॉच वाला वही दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आने वाला है। आपको पता है स्नैपड्रैगन 890 होगा या फिर 895 होगा, ये दो नाम से आ सकते हैं। अभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, ये 90 हो सकता है या फिर 95 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके कोड नेम दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं जिसका कोड नेम है SM8450। ये दोस्तों यहाँ पे इसका कोड नेम निकल के आया जो कि यहाँ पे 4nm टेक्नोलॉजी पे दोस्तों यहाँ पे बना हुआ प्रोसेसर है गाइस। मतलब समझ रहे हो ना बैटरी भाई साहब कितनी ज़्यादा देगा बैकअप, है ना, और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तगड़े वाला लेके आएगा। बाकी इंडिया में देखते हैं एक्जिनोस के साथ में आएगा या फिर स्नैपड्रैगन के साथ में आएगा, मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन के साथ में आए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। और हाँ, अगर आता है स्नैपड्रैगन के साथ में तो यहाँ पे आपको पता है 888 में क्या होता है, हीटिंग वाले इश्यूज़ थे तो वहाँ पे वो इसीलिए थे हीटिंग वाले इश्यूज़, मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि वहाँ पे उसको ओवरक्लॉक दोस्तों यहाँ पे किया गया था क्योंकि उसको बायोनिक के चिप से ना स्कोर ज़्यादा दिखाने थे बेंचमार्क में। अबे साले जो माफ करना मैं जो तमीज से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो इसके कैमरा के बारे में गाइस, तो यहाँ पे यार कैमरा के बारे में कुछ भी लीक्स नहीं आया है, और यहाँ पे लीक्स नहीं आए तो इसके मतलब मैं फेंकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा हवे में, क्योंकि भाई साहब बाद में बेइज्जती हो जाएगी, नहीं आएगी तो ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं चुप रहना पसंद करूँगा। सिर्फ मुझे एक ही इंतजार रहेगा कि जब ये फ़ोन लॉन्च होता है ना तो आईफोन 13 से भाई साहब इसका कैमरा किस तरह से कम्पीट करता है, क्योंकि यहाँ पे 12 में तो आपको पता है फोटोग्राफी के मामले में जो S20 अल्ट्रा था वो यहाँ पे आगे था, वीडियोग्राफी में पीछे था थोड़ा सा, लेकिन फोटोग्राफी में आगे था, तो ये बातें निकल के आती है। लेकिन इस बार भाई साहब टक्कर देना बहुत ही ज़्यादा भाई साहब मतलब क्या बताऊँ वो है, क्योंकि यहाँ पे आईफोन 13 के कैमरास वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, तो ये सब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली चीज़ दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे बेस्ट फोन अंडर 30,000 जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, बेस्ट फोन अंडर 20,000 जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, इस वाले गोले पे दबा के सब्सक्राइब कर ले, 1 लाख जोर से ठोक देना, और क्या बोलूँ हाँ किडनी विडनी बेच के पैसे वैसे जमा कर लेना क्योंकि ये जैन में आने वाला है, और हाँ चार्जर के लिए अलग से।